भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। यूपी में आज से बटेगा मुफ्त राशन। राशन कार्ड धारकों को आज से राशन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। विभाग की ओर से राशन वितरण के लिए आज से 15 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इससे जिले के 7 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। विभाग की ओर से अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है। इनमें 17 किलोग्राम गेहूं और 18 किलोग्राम चावल शामिल है। दिल्ली में आज रहेगी सरकारी छुट्टी, सीएम आतिशी ने किया ऐलान। दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। सीएम ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर छुट्टी का आदेश शेयर करते हुए लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 7 नवंबर को छठ के त्योहार की छुट्टी होगी। पटना में आज 12 बजे से लोग कर सकेंगे शारदा सिन्हा का अंतिम दर्शन। बता दें कि कई दिनों से कैंसर से जूझ रही बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का मंगलवार देर रात अस्पताल में निधन हो गया था। उन्होंने 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया गया। वही आज उनका अंतिम संस्कार होगा। दरभंगा में आज रहेगा रूट डायवर्जन। दरभंगा में आज रूट डायवर्जन रहेगा। बता दें कि छठ के अवसर पर शहरी क्षेत्र के लहेरिया सराय और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत छठ घाटों पर काफी भीड़ की संभावना रहती है। जाम से निजात के लिए बाइक और कार के लिए रूट और ट्रैफिक प्लान निर्धारित किया गया है। बिहार के पटना में महावीर आरोग्य संस्थान में आज चलेगी स्पेशल ओपीडी। बिहार के पटना में महावीर आरोग्य संस्थान में छठ महापर्व पर आज और 8 नवंबर को स्पेशल ओपीडी चलेगी। बता दें छठ व्रतियों के लिए ये व्यवस्था की गई है। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के दिशा निर्देश पर ये विशेष व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान के झालावाड़ में आज होगी ग्राम पंचायत गोलाना में जन सुनवाई। बता दें कि झालावाड़ की पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत गोलाना में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में किया जाएगा। वहीं आज सुबह 11 बजे से लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। आज यूपी बिहार दिल्ली समेत कई राज्यों में बंद रहेंगे सरकारी व प्राइवेट स्कूल। देश के कई राज्यों में आज सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत कई अन्यों के नाम शामिल हैं। इसकी घोषणा राज्यों की सरकार ने खुद की है। इस घोषणा के बाद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। बता दें कि अभी हाल ही में बच्चों को दिवाली के मौके पर कई दिनों की छुट्टियां दी गई थी। राजस्थान की बूसी के सोमेश्वर गाँव में आज होगी अन्नकूट महोत्सव व सत्संग सभा। बूसी सोमेश्वर के श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में बीएपीएस स्वामी नारायण सत्संग मंडल के तत्वाधान में अन्नकूट महोत्सव एवं धर्म सभा आज होगी। वही बीएपीएस स्वामी नारायण सत्संग मंडल सोमेश्वर के आनंद प्रसाद व अशोक कड़ेला ने बताया कि आज शाम 4 बजे से इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा आज से होगी शुरू। बुकिंग पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए दिल्ली से 42 सीटर विमान आज से उड़ान भरने लगेगा। इस विमान सेवा के शुरू होने से एक ओर पहाड़ में पर्यटन को पंख लगेंगे तो वहीं दूसरी ओर सीमांत क्षेत्र के लोगों की देश की राजधानी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बता दें एयर कंपनी उद्घाटन फ्लाइट बुकिंग पर भारी डिस्काउंट दे रही है, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में आज से मौसम लेगा करवट। दिवाली के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम करवट लेने वाला है। इस बीच राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले हफ्ते से फिजाओं में ठंडक घुलने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1862 में आज के दिन मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन हुआ था। साल 1968 में आज के दिन तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। साल 1996 में आज के दिन भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी एडहॉल्स पॉल का जन्म हुआ था। साल 2000 में आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु मतदान संपन्न हुआ था। साल 2006 में आज के दिन भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।